तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम कैलकुलेशन की। तो टेक्स्ट कैटेगरी फॉर्मूले के बाद हम बात करेंगे आपके साथ डेट एंड टाइम की कैटेगरी पे, और डेट एंड टाइम की कैटेगरी पे हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे या डेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम बात जानेंगे। सबसे पहले जानिए कि सिस्टम का यहाँ पे कोई भी डेट कैसे टाइप करते हैं। अगर आप डेट टाइप करना चाहते हैं तो आपको चेक करना होगा पहले अपना सिस्टम डेट फॉर्मेट। सिस्टम डेट फॉर्मेट को एक बार चेक कीजिए। यहाँ देखिए MMDDYY, MMDDYY दिख रहा है, मतलब कि पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। तो टाइप भी आपको यहीं पे करना पड़ेगा। जैसे आज के रेट डालनी है तो यहाँ पे आपको पहले मंथ, फिर डे, और करेंट ईयर का डेट है तो एंटर मारिए, करेंट ईयर आ जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर है तो स्लैश करके उस डेटा भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मल एंटर मार देता हूँ, यहाँ पे डेट आ गया। जो आपके सिस्टम का डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा यहाँ पे वो फॉर्मेट दिखेगा। आप कस्टम फॉर्मेटिंग या डेट की फॉर्मेटिंग की मदद से आप अपने डेट के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, और यहाँ अलग अलग कंट्रीज भी है जहां पर अपने डेट को चूज कर सकते हो। राइट सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है यहाँ पे कि हम डेट में क्या कर सकते हैं। तो देखिए डेट के अंदर में दो तीन चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम डेट में से किसी डेट में से पीरियड को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें से ईयर अलग करना है तो यहाँ हम ईयर का फॉर्मा लगाएंगे तो ईयर अलग हो जाएगा, यहाँ पे मंथ का फॉर्मा लगाएंगे तो महीना अलग हो जाएगा, और यहाँ पे डे का फॉर्मा लगाएंगे तो डे अलग हो जाएगा। तो मैं यहां से ईयर, मंथ और डे तीनों हमने यहां अलग कर लिया। फिर वापस हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं डेट का, जिससे हम कंबाइन करेंगे ईयर मंथ एंड डे, ईयर मंथ एंड डे, तो यहां तीनों कंबाइन हो गया। इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। पढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला ऑप्शन है कि किसी पर्टिकुलर टाइम सिस्टम डेट कैसे पता चलती है। तो यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला आप डालिए यहाँ पे इक्वल टुडे, कि आपको करेंट सिस्टम डेट शो करता है। जी हाँ, टुडे का फॉर्मूला अगर डालते हैं तो करेंट सिस्टम डेट यहाँ शो कर देता है। अब मुझे इस करेंट सिस्टम डेट में मान लीजिए कि 12 दिन जोड़ने हैं, 20 दिन जोड़ने हैं। तो 20 दिन जो मुझे जोड़ने हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल प्रेस कीजिए, डेट को सिलेक्ट कीजिए और प्लस उस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उतने दिन जुड़ के डेट आ जाएगा, लेकिन मुझे पर्टिकुलर डेट में मान लीजिए 4 महीने जोड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करके जोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तो हर महीने का 30 31 इस तरह का डेट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डेट का, हम ई डेट इसको सेलेक्ट करेंगे और इस 4 को सिलेक्ट करते हैं। ई डेट फॉर्मूला आपको यहाँ पे डेट बताता है कि 6 मई, तो इस तरह से डेट ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए मुझे डेट को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, सॉरी डिलीट माफ कीजिएगा, माइनस करना हो। हमने डेट में ऐड तो कर लिया,
बट मुझे अगर इसको माइनस करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप यहां पे मंथ को माइनस रख दें तो माइनस हो जाएगा। लेकिन किसी डेट में मुझे 2 साल 9 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं। किसी डेट में मुझे 2 साल 9 महीने एंड 22 दिन जोड़ने हैं तो कैसे होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये डेट वाला मेथड है ना, इसको अप्लाई करेंगे। यहां पे डेट, यहां से ईयर इसमें से अलग करेंगे और इसमें प्लस 2 कर देते हैं। फिर वापस हम मंथ को अलग करेंगे और इसमें प्लस 9 कर देते हैं। और फिर जाहिर सी बात है हम डे अलग करेंगे और इसमें प्लस 22 कर देंगे। आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया कि पहले हम मंथ, ईयर और डे का फॉर्मूला लगा के सबको अलग अलग हमने अलग अलग कर लिया, मंथ ईयर डे अलग अलग कर लिया। फिर यहां पे हमने वापस कंबाइन कर लिया। सामने है कोई डाउट सर? उषा जी को डाउट इसमें? नहीं सर। तो दो डेट्स में कोई भी पीरियड अगर आपको जोड़ना हो तो इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन यहां पे अगला ये आता है कि मुझे दो दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। जैसे कि दोनों डेट जो है, दोनों डेट के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो आपको बस माइनस कर देना है, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो डेट है यहां पे दिखता डेट है बट एक्चुअल में ये 83 83,831 है, यहां पे 44,202 है, नंबर्स होता है। तो जो भी माइनस प्लस होता है वो नंबर में होता है। तो अलग हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने जो माइनस किए हैं ये एग्जैक्ट डेट हुआ। मैं चाहता हूं कि इसमें हमारा वर्किंग डे अलग हो, मतलब सैटरडे एंड संडे या कोई हॉलीडे लिस्ट हमने बना रखी है कहीं पे पूरे साल का, तो वो कवर ना हो। जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, इस तरह के डेट। तो पूरे साल का बना लीजिए, जरूरी नहीं कि इसी पीरियड का होना चाहिए, पूरे साल का यहां डाल सकते हैं। और यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, नेटवर्क डे। जी हाँ, नेटवर्क डेज के बारे में इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको सिलेक्ट कर लिया। और फिर आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना होलीडे लिस्ट, एंटर प्रेस कीजिए। तो आपको इसमें सैटरडे एंड संडे इंक्लूड नहीं है और जो जी कॉलन में डेट्स डले हुए हैं वो डेट इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे इसके अलावा जितने भी डेज है उसका काउंट, उसका जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो सकती है, आप इसे सुधीर जी कह सकते हैं, सर सैटरडे संडे तो हमारी छुट्टी होती नहीं है, कुछ ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे है, कुछ ऑफिस में कुछ और छुट्टी है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो छुट्टी हमारा जो यहाँ पे दो डेट्स के ऊपर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा सैटरडे संडे या कोई पर्टिकुलर डे की सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिले कि पर्टिकुलर डे हम सिलेक्ट कर सकें, तो उसके लिए आता है networkdays.intl। हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। अब यहां पे हमें ऑप्शंस मिलता है कि नंबर ऑफ सैटरडे संडे कौन सा है, कौन सा नंबर ऑफ डेज को अलग करना है। तो नंबर्स आपको यहां देने होते हैं जो नंबर है। तो
तो यहां मुझे सिर्फ संडे ओनली चाहिए, तो देख रहा है संडे 11 नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 11 सिलेक्ट करके एंट्री कर देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप जरूरी नहीं कि आप सिलेक्ट ही करो। तो ये देखिए सिर्फ संडे संडे इसमें से अलग किया गया है, मंडे टू फ्राइडे आपका सेम है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आती है बारी कि अगर मान लीजिए कि आज के डेट में मैंने बैंक को एक लिस्ट दिया या किसी को एक पर्टिकुलर लिस्ट प्रोवाइड की मैंने, कि हाँ भाई एक रिक्वेस्ट प्रोवाइड की मैंने, उन्होंने बोला कि ठीक है इसको सॉल्व होने में 15 दिन का टाइम लगेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि आफ्टर 15 डेज कौन सा डेट आएगा, अगर सैटरडे संडे और एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारा अगर बैंक ऑफ है तो उस केस में यहां पे हम देंगे वर्क डे का फॉर्मूला। जी हाँ, वर्क डे सिलेक्ट किया हमने, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट नंबर ऑफ डेज एंड हॉलीडे सिलेक्ट कर लिया। इसने सैटरडे संडे और ये जो जी कॉलम में जो हमने डेट डाल रखा है उसके अलावा जो डेट है उसको इग्नोर करके इसने बताया कि 28 जनवरी को पड़ेगा, 15 दिन पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम आता है कि जैसे ऊपर में बताया कि मेरे पास सैटरडे संडे नहीं छुट्टी होता है, तो यहाँ भी आपको वर्क डे डॉट आई एन टी एल मिलेगा जिसमें स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज और अपना हॉलीडे या वीकेंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना वीकेंड संडे ओनली सिलेक्ट कर लिया एंड आफ्टर देन अपना हॉलीडे लिस्ट को सिलेक्ट कर लें, प्लेस करें, तो आपको सिर्फ संडे ऑफ करके बताया गया कि 23 जनवरी को पूरा होगा 15 दिन। ओके सर, अब जैसे हम डिफरेंस ही निकाल रहे थे तो डिफरेंस के लिए एक्सेल में फॉर्मूला दिया गया है डेज का, जिसमें आप एंड डेट और स्टार्ट डेट सिलेक्ट करते हैं तो आपका डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इसी में एक आपके फॉर्मूला होता है डे 360। जी हाँ, डे 360 क्या करता है कि उस साल को 365 दिन लेता है, उसके बिहाफ पे अलग किया जाता है। आपको 365 दिख रहा है क्योंकि ये 6 जनवरी है। अगर मान लीजिए मैं इसको 6 की जगह पे 1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे 300 ही होगा, 360 ही होगा सॉरी। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लेता है, क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 360 का होता है, 5 दिन लेजर मेंटेन करने के लिए काटा जाता है, इसलिए ये आपको डे 360 उसी बिहाफ पे अलग करता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया था और वो पूरा 1 साल का प्रोजेक्ट था, 1 साल के लिए मुझे 5 लाख रुपए का बोला गया था कि 5 लाख रुपए मिलेगा, बट मैंने 6 दिन ज्यादा काम कर दिया, मैंने 6 दिन ज्यादा काम कर दिया। अब 6 दिन ज्यादा काम करने की वजह से मुझे 6 दिन का पैसा उनसे लेना होगा, तो कैसे लूं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ईयर वैकेंसी का, ईयर फ्रिक्वेंसी डालिए और इसको स्टार्ट डेट एंड डेट डाल के एंटर मारिए, तो ये आपको परसेंटेज बता देता है कि आपने अभी तक कितना परसेंट काम, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ बिल करूंगा कि भाई इसका 101.39% मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैं किसी भी डेट को डालता हूं तो मुझे इस महीने का आखिरी डेट चाहिए। देखिए आखिरी डेट में कंफ्यूजन होती है, क्या कंफ्यूजन होती है?
क्योंकि स्टार्ट डेट तो सबको पता होता है 1 तारीख, लेकिन लास्ट डेट पता करना मुश्किल है ना। तो मैं यहां कोई भी डेट डालू, मुझे इस महीने का स्टार्ट डेट और एंड डेट पता चल जाए, क्योंकि हर महीने 31 31 इस तरह से होता है 28। तो यहां हम देखेंगे फॉर्मूला ईओ मंथ का। ईओ मंथ हमने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट किया और हमने यहां पे दे दिया जीरो। जीरो मतलब कि उसी महीने का। अगर मैं 1 करूंगा तो फरवरी का लास्ट डेट देगा, 2 करूंगा तो मार्च का लास्ट डेट देगा, उतने महीने बाद का देता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट डेट कैसे करें, तो स्टार्ट डेट के लिए भी हम ईओ मंथ का इस्तेमाल करेंगे। अब लोग से ईओ मंथ तो एंड डेट देता है ना, देखिए यहाँ पे स्टार्ट डेट भी होगा, यहाँ पे अगर आप माइनस में 1 करते हो तो उतना महीना पीछे का देता है। तो ये जो हुआ 31 दिसंबर का डेट आपको दे दी, बट मुझे तो स्टार्ट डेट चाहिए ना, तो पिछले महीने की लास्ट डेट में अगर हम प्लस 1 करते हैं तो इस महीने की स्टार्ट डेट आ। तो मैं यहां कोई भी डेट डालूं, उस महीने की स्टार्ट डेट और एंड डेट यहां आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें आगे हम इस पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। सुधीर जी, सर ये शॉर्टकट क्या यूज करते हो आप, जैसे डेट को नंबर में? कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब किसी ने आपको डेट दिया है लेकिन टेक्स्ट में दे दिया है, तो आपके सामने फॉर्मूला है डेट वैल्यू का। इस डेट वैल्यू फॉर्मूले की मदद से आप उसको वापस नंबर में कन्वर्ट करें, इसका डेट का फॉर्मूला अप्लाई करें, ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है सर। उसके बाद यहां पे जैसे कि मैं कोई डेट अगर डालता हूं तो मुझे इसका वीक चाहिए, तो वीक में अगर आप संडे मंडे चाहिए टेक्स्ट में लिखा हुआ, तो आप यहां पे जाहिर सी बात है कि आप यहां पे टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया और यहां पे डी 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 3 बार डी डी करके एंटर मार दिया और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर, ठीक है। डाउट सर? लेकिन मुझे डेट चाहिए मंडे 1 2 3 में, इस तरह से मतलब नंबर्स में, तो उसके लिए आपका यहाँ पे वीक डे फॉर्मूला होता है, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब आपको यहां बताना होगा कि आपका वीक स्टार्ट कब से हुआ है, क्या था कि जैसे कि इंडिया में वीक मंडे से स्टार्ट होता है, यूएसए मंडे से स्टार्ट होता है, गल्फ में जाइए बहरेन कुवैत ऐसे जगहों पे, तो वहां संडे से स्टार्ट होता है, वहां फ्राइडे से सैटरडे छुट्टी होती है, तो आपको बताना होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया कि भाई मंडे से स्टार्ट होता है, ये देखिए नंबर में दे दिया। उसी तरीके से हमारे पास होता है वीक नम। वीक नम फॉर्मूला क्या होता है कि बताता है कि आपका नंबर ऑफ वीक कौन सा चल रहा है, साल मंडे टू फ्राइडे लेके चलता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, हाँ सैटरडे में, मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे टू संडे, हाँ मंडे टू संडे चलता है, सैटरडे नहीं मंडे टू संडे। देखिए 2 जनवरी संडे थी ना, तो 1 वीक में आ रहा था, ऐसे मंडे संडे आया तो 2 वीक आ गया, यहाँ पे आप दे भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया ना, क्या मंडे 2 से स्टार्ट करना है, तो आपका देखिए अलग हो जाता है। ये थी हमारी डेट की कैलकुलेशन। तो एक कैलकुलेशन मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन समझाए,
वन बाय वन आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे टाइम कैलकुलेशन की, और साथ में हम आपको एक टेस्ट भी देंगे जिसमें हम डेट एंड टाइम और टेक्स्ट दो कैटेगरी के फॉर्मूले का क्वेश्चन देंगे, जैसे आपको मैंने इफ में दिया था। ठीक है उषा जी? हाँ जी सर, ठीक है। उसको एक बार कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल की क्लास जो कल अगर लेना चाहे तो कल भी ले सकते हैं, अगर प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है तो, जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मूले के इसमें डेट की डेट टाइम की कैलकुलेशन डेट हो गई है टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक टेस्ट फाइल आपके साथ शेयर करेंगे। ओके ओके सर, आप कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए, इसको प्रैक्टिस करते हैं सर, फिर मैं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके मिलते हैं कल, बाय सर।